गाइस आप लोगों के लिए ऐसे पर्सन हो जिसकी लाइफ में उसने अपने लाइफ को किस तरह से लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है, बहुत ही अच्छी तरह से जाना है। ओके, और अब आपको जो भी आपके लाइफ में चुनौतियाँ आती है, परिस्थितियाँ आती है, इसको किस तरह से लेना है और गो विद द फ्लो में चलना है, वो आपको अच्छी तरह से आता है। गो विद द फ्लो का मतलब होता है वक्त के साथ किस तरह से अपने आप को हैंडल करना है, किस तरह से अपने आप को लेना है और लोगों के सामने अपनी एक पर्सनालिटी को रखना है। ओके, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। यहाँ डोर टू पर्सनल हीलिंग और पेशेंस दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये भी पता चल गया है कि अपने आप को किस तरह से अंदर से हील रखना है, शांत रखना है, सुकून भरा रखना है। ओके, और अपने आप को हर पल हमेशा खुश रखना है और हैप्पीनेस महसूस करनी है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। आपके अंदर एक पेशेंस है, एक सब्र है, कुछ भी आपको चाहिए तो इसके लिए आप इंतज़ार करते हो, सब्र रखते हो, इस वजह से आपको वो ज़रूर मिलता भी है। तो लोग आपको इस तरह से भी मानते हैं गाइस कि आपने जो कुछ भी पाया है वो बहुत ही सब्र के साथ इंतज़ार करते हुए पाया है। ओके, ऐसे ही नहीं कि आपने जो कुछ भी किया हो उसमें आपको तुरंत सफलता मिल गई हो, ऐसा भी नहीं है। आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी कोशिश की इसके लिए सब्र किया है, इंतज़ार किया है और उसका फल आपको ज़रूर मिला भी है। यहाँ पेशेंस और इनडिसीजन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि आपने जो कुछ भी मेहनत की है उसके लिए कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि ये जो मैं भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आगे चलकर नहीं कुछ हुआ तो इसमें, इस तरह से आप सोचकर कुछ भी काम नहीं करते हो। आप यही सोचकर करते हो कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आगे जाकर बहुत ही जल्द सफल होगा, उसमें सफलता ज़रूर मुझे मिलेगी, इस तरह से आप सोचते हो। दोनों का कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है गाइस, दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है कि आप जो कुछ भी करते हो उसमें आप इंतज़ार करते हो, विश्वास रखते हो, सब्र करते हो, इस वजह से उसका फल आपको बहुत ही अच्छा और अद्भुत ही मिलता है। ओके, यहाँ इनडिसीजन और फोर्थ चक्रा दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आपने अपने इमोशनल लाइफ में भी बहुत कुछ देखा है। इमोशनल लाइफ का मतलब होता है कि लोगों का सपोर्ट जब हमें नहीं मिलता है तब लोग टूट जाते हैं या फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और बहुत सारी ऐसे सिचुएशन को लड़ने के लिए वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ आप ऐसे इंसान नहीं हो, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे इमोशनली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए और बहुत सारी आपने एक चुनौती भरी लाइफ देखी अपने इमोशंस में। जब आपको लोगों का सपोर्ट नहीं था, कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, कोई आपको सामने से बुलाता भी नहीं था, तब भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी पावर में रहे, अपनी एनर्जी में रहे और टूटे बिल्कुल भी नहीं, और अपना आत्मविश्वास अपने आप के ऊपर रखा। अपने आप के ऊपर जो विश्वास आपका था वो बहुत भी बड़ा था, इस वजह से आपको जीत मिलती ही चली गई। ओके, और यहाँ हमारे पास जो कार्ड आया है कॉर्नुकोपिया, अभी आपके पास लोग आपको इस तरह से मानते हैं गाइस, कॉर्नुकोपिया लोग आपको सभी तरह से अबंडेंस पर्सन मानते हैं। सभी तरह का मतलब होता है कि आप लोगों के साथ उठते बैठे हो, बातचीत करते हो, आपका रहन सहन लोगों के प्रति गाइस, आपका जो एक अपनी एक पर्सनालिटी है लोगों के सामने रखने की, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छी है। ओके, और लोगों को ये पसंद भी आती है, लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए उनके साथ बातचीत करते हो, लोगों को कुछ कहने से पहले खुद अपने बारे में सोचते हो कि मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो सामने वाले को ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। आपकी सोशल लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन होगी, आपकी इमोशनल लाइफ भी बहुत ही अच्छी होगी, लोग आपको समझते होंगे,
क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो इस वजह से, ओके। और आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत ही अच्छी होगी, ओके। आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड आपकी कदर करते होंगे, आपको समझते होंगे, और आपकी के अंदर जो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अपनी एक समझ है, एक समझदारी है, वो लोगों को बहुत ही पसंद आती है, ओके। कंप्लीशन, कंप्लीशन का कार्ड ये बताता है गाइस कि लोगों को आप सभी तरह से कंप्लीट पर्सन लगते हो, ओके। एक कंप्लीट पैकेज लगते हो जिसके पास सभी तरह की समझदारी है, एक सूझबूझ है, एक ठहराव है, एक झुकाव है, लोगों को समझने का, लोगों को जानने का, उनके साथ अच्छी तरह से रहने का, बर्ताव करने का, सभी तरह से आप कंप्लीशन में हो गाइस। एक कंप्लीट पर्सन हो आप, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है और इस वजह से ही आप हमेशा खुश भी रहते हो। द स्टार, लोग आपको स्टार समझते होंगे और आप अपने लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस भी होंगे, वो मैं आपको पहले ही कहना चाहती थी गाइस, ओके, कि आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो अपने लोगों में, क्योंकि आपके अंदर इतनी अच्छे अच्छे जो गुण हैं, एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छा नेचर है, लोगों के सामने अपने आप को रखने का जो एक तरीका है वो लोगों को पसंद आते हैं, ओके। और गाइस, लोग आपको बहुत ही अच्छी तरह से लेते हैं, आपके अंदर लोगों को एक होप दिखती है, एक आशा दिखती है, आप जो कुछ भी करते हो आप जैसा ही लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो वो बहुत ही सोच समझ कर करते हो, अपने लिए कितना इफ़ेक्ट रहेगा, सामने दूसरे लोगों को कितना इफ़ेक्ट रहेगा वो पहले सोचते हो, समझते हो, फिर कुछ करते हो। इस वजह से आप लोगों के दिलों में एक स्टार की तरह हो, एक स्टार की तरह इमेज है आपकी। और गाइस, आपके पास कभी कुछ आपकी लाइफ में नहीं भी हो या फिर कुछ आपकी लाइफ में आते आते रह जाए, तो इसके लिए भी आप उम्मीद और होप नहीं छोड़ते हो। आपको यकीन है कि इस वक्त वो कुछ मुझे नहीं मिल रहा है, जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो आगे जाकर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये आपकी जो होप है, आशा है, वो बरकरार रहती है। इस वजह से भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो, एक प्रभावित इंसान दिखते हो, एक अट्रैक्टिव लुक आपका आता है लोगों के ऊपर, ओके। तो लोग आपको गाइस, लोगों के लिए आप कैसे पर्सन हो, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आप एक बहुत ही एक जिसके अंदर एक अच्छी लोगों के एक रिस्पेक्ट देने की या फिर लोगों को समझने की एक जो भावना है या फिर लोगों को समझने की एक अच्छी खासी सूझबूझ है गाइस, वो आपके अंदर है, तो लोग आपको इस तरह से मानते हैं। लोगों के लिए आप एक परफेक्ट पर्सन हो, सभी तरह से परफेक्ट पर्सन हो, जिसके पास बहुत ही अच्छी काबिलियत है, एक हुनर है, जिसका आप बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हो। आप बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेसअप भी होते होंगे गाइस, ओके। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल भी लोगों को अट्रैक्ट करता होगा, जिस तरह से आप लोगों के सामने आते हो, आप ऐसा नहीं दिखाते कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक अमीर इंसान हूँ तो मेरे अंदर घमंड है, इस तरह से आप लोगों के सामने नहीं बताते हो गाइस। आपके पास बहुत कुछ आ गया है फिर भी आपके अंदर एक ठहराव है, ओके। एक लोगों के ऊपर रिस्पेक्ट है, आपके अंदर कभी भी घमंड आ भी नहीं सकता है, क्योंकि आप यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखने वाले इंसान हो और आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि वक्त कब कौन सी कसौटी ले ले वो पता नहीं है,
इस वजह से आप कभी भी अपने लिए घमंड नहीं लाते हो, अभिमान नहीं करते हो अपने पास जो कुछ भी है। ओके, आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को एक रॉयल तरीके से दिखाने वाले इंसान हो। ओके, आप अपने लिए, अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो। ओके, और आपके अपने लोगों को लिए भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो। उसको खुश रखना भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है, और अपने आप को किस तरह से खुश रखना है और किस तरह से रहना है वो भी आपको पता है। आप लुकिंग में भी बहुत ही ज़्यादा आपका सोबर लुक होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं है और बहुत ही कम एक नॉर्मल इंसान की तरह है, एक पैरवेश भी नहीं, एक बहुत ही अच्छा एक रॉयल लुक होगा आपका, जिसको देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा भी करते होंगे, तारीफ भी करते होंगे। ओके, तो गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसके लिए मैं पार्ट थ्री मैंने बनाया है गाइस, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पार्ट टू में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मुझे पार्ट थ्री बनाना पड़ा। ओके, तो आई होप आप सब मुझे समझेंगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।